नमस्ते, मेरा नाम है कुसुम। कुसुम कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। बारिश का मौसम चल रहा है, सबको कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो चलिए चटपटे में मैं आप सबको टमाटर चाट बनाने की रेसिपी सिखाती हूँ। टमाटर चाट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए हम देखते हैं। टमाटर चाट बनाने के लिए हमें उबले हुए आलू, टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कांदा, हरी धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला और जीरा की ज़रूरत है। टमाटर चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई रख देंगे, इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च होने के बाद इसमें हम थोड़ा कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब हम इन सबको लाल कर देंगे। देखिए कांदा हमारा हल्का ब्राउन हो गया, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर को हम अच्छे से गला लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम वापस चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे गल रहे हैं। जैसा कि ये टमाटर चाट है तो इसमें टमाटर हमें ज़्यादा लगेगा और टमाटर को हम अच्छे से गला लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा टमाटर कितना अच्छा गल रहा है। ये चाट बनने पे बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो और ही टेस्टी बनती है। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे कितने अच्छे गल चुके हैं। इसे हम थोड़ा और गला लेंगे। देखिए इसके कलर कितना अच्छा आ चुका है। ये अब भी इसे इतना यम्मी लग रहा है तो सोचो खाने में कितना अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये उबले हुए आलू हैं, इन्हें हम अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें हम एक कप पानी मिला देंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम बटाटा डालेंगे तो ये पानी हमारे बटाटे को सोख लेगा। इसके लिए हम देखिए फ्रेंड्स, हमारे पानी में उबाल आ रही है। अब इसमें हम मैश किए हुए पोटैटो मिक्स कर देंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। एक खाने में और भी टेस्टी आती है। आप सब जरूर इसे घर में ट्राई करना। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर चट कितने अच्छे बन रहे हैं। मेरे पास ये बचे हुए छोले हैं, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास है तो मैं थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर देना। ये मेरे पास घर में बचे हुए थे तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, चाट के कलर कितने अच्छे आ गए हैं और ये कितना अच्छा दिख रहा है। तक उबाल आने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने थोड़ा नमक डाला था, अभी नमक थोड़ा हम और डाल देंगे। अपने टेस्ट के अनुसार ही हमें नमक डालना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर चाट बनके तैयार हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर चाट बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे हम डिश में निकाल लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमने टमाटर चाट को इस डिश में निकाल लिया है। ये देखने में कितना यमी लग रहा है। अब गार्निश के लिए हमने हमारे पास घर में ये बारीक सेव और ये पानीपुरी के पापड़ी रखे हुए थे। अब इसे हम और ये इमली का, ये इमली की मीठी चटनी का पानी है, इसको हम ऊपर से थोड़े अब इसे हम पापड़ी में ये कितना यम्मी लग रहा है ये आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। आप सब एक बार जरूर इसे जरूर घर में ट्राई करिए। देखिए घर में ये सेव है, अगर आपके पास सेव है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये कितना यम्मी लग रहा है। अब इस पे हम हरी धनिया डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा टमाटर चाट बनके तैयार हो चुका। देखिए फ्रेंड्स हमारे टमाटर चाट बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।